गरुड़ गमना वृषभ वाहना, ये फिल्म 2021 में आई थी। और अगर आप कनाडा के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर एक्टर राजवी शेट्टी को जानते नहीं हो तो पहले ही फिल्म आप देख लेना, उसके बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके बारे में, ना तो आपको कुछ सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर राजवी शेट्टी अपनी फिल्म टॉबी को लेकर फिर आ चुके हैं, यानी कि उनकी नई फिल्म 25 अगस्त 2023 को ये फिल्म रिलीज़ होगी। बहुत ही कम डायलॉग है, बहुत ही रूटेड है कनाडा में। एक स्टार जो ट्रेलर में दिया गया है 3:05 के ट्रेलर में, साफ साफ कहा जा रहा है कि एक बलि देने वाली बकरी या बकरा अगर चला जाए तो वापस जब वो आता है गांव में तो वो सेम नहीं रहता, वो डेथ ऑफ गॉड कहा जाता है उसे, मारी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा कहा गया है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन ट्रेलर एंड होने तक हमें समझ में आता है कि वो डेथ ऑफ जो है ना, गॉड ऑफ डेथ, वो एक्चुअली में राजवी शेट्टी का कैरेक्टर है इस फिल्म में टॉबी। सीधा साधा, बहुत ही इनोसेंट पागल, काम से काम रखने वाला इनोसेंट, उसे कैसे एक गांव में बलि का बकरा बनाया जाता है किसी कारणवश, कुछ गलत शायद होता है उस गांव में, पुलिस के सामने उसी को बकरा बनाकर फेंक दिया जाता है कि, और उसको बहुत मारा पीटा जाता है, ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही हो जाती है, इस तरह कुछ हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में वापस आ जाता है, मतलब उसकी डेथ होती नहीं, बच जाता किसी कारणवश, जो फिर गांव में आता है किस तरह से वापस बदला लेता है, ये उसी कहानी है। आपको सिंपल सादा रूटेड ऐसी स्टोरी आपने पहले भी देखी, सिंपल लगती होगी, लेकिन बात ये है ना दोस्त मेरे कि कनाडा फिल्में सिंपल होती है लेकिन उसको बनाने का तरीका बड़ा ही अलग होता है, बड़ा ही इंटरनेशनल होता है, बड़ा ही रूटेड होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि गरुड़ा गमना वृषभ वाहना से बेहतर है, वो अलग लेवल पागलपन था, वो फिल्म वो अलग पागलपन था वहाँ पर राजवी शेट्टी का। आई एम नॉट श्योर कि कितना कुछ इन्होंने ट्रेलर में दिखाया, देखो ट्रेलर इज गुड बट ट्रेलर से बहुत कुछ हम भाप नहीं पा रहे, मुझे इससे लगता है शायद इसका ट्रेलर दूसरा आएगा, पार्ट टू आएगा, या फिर मेकर्स सब चीज़ें फिल्म के लिए बचा के रख, ज़्यादा कुछ उन्होंने स्पिल नहीं किया है, जितनी भी चीज़ें स्पिल की है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने पेश की है, उससे ज़रूर ये एक ऐसी फिल्म तो बन ही जाती है जिसे आप थिएटर में जाएंगे, देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि उनकी पहली फिल्म गरुड़ा गमना वृषभ वाहना से वे एक थिएटर में रिलीज हुई थी मुंबई में, मुझे अच्छे से याद है। तो वो जो वक्त था उस वक्त से काफ़ी डिफरेंट वक्त है अभी, अब कई सारे थिएटर्स में रिलीज होगी। सिनेमा प्रेमी इस फिल्म का वेट कर रहे थे, इसके पोस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं बस यही जानना चाहूँगा राजवी शेट्टी से, आपके बाल काफ़ी आ जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा बताइएगा, बाल हमारे थोड़े कम हो गए ज़्यादा। जोक से पार्ट, ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, बेसिल नाम की कोई डायरेक्टर है, अच्छला कल, पता नहीं मुझे नाम स्पेल नहीं कर पाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए सरनेम नहीं बोलूँगा, बेसिल नाम के डायरेक्टर है जिन्होंने डायरेक्शन किया है, ग्रेट। मैं बहुत ज़्यादा नाम उनका सुना नहीं हूँ, आप उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में बता सकें उनके बारे में ज़्यादा तो मैं ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, बट स्टिल अच्छा है ट्रेलर, नॉट बैड एट ऑल। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 में से 4 स्टार, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। और राजवी शेट्टी है तो मुझे इतना तो पता है कि मैं अगर इसे थिएटर में भी देखूंगा तो मेरा 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, राइट? चलिए फिलहाल कितना है।